सारी लड़कियों का फेवरेट फेस्टिवल तो रक्षाबंधन ही होता है। मैं भी जाने वाली हूँ राखियों की शॉपिंग करने। और हाँ, मैं ना एक अच्छी सी एकदम मस्त डिजाइनर राखी लेने वाली हूँ। और एक है ना, नहीं एक नहीं दो फिर है ना चांदियों की राखी लेने वाली हूँ मेरे दोनों भाइयों के लिए। लास्ट ईयर भी मैंने ना चांदी की राखी ही बांधी थी मेरे दोनों भाइयों को। और हाँ, उनके लिए ना रिटर्न गिफ्ट भी लेना है। थोड़ा सा धीरे बोलती हूँ क्योंकि यहीं पे बैठे होंगे, सुन रहे होंगे रिटर्न गिफ्ट बोला तो रिटर्न गिफ्ट मैं ना मैं वहीं पे जाके बताऊंगी कि क्या लेने वाली हूँ दोनों को अलग अलग रिटर्न गिफ्ट। वाओ। तो अभी मैं ना जल्दी से तैयार हो जाती हूँ क्योंकि अभी है ना मार्केट भी जाना है। और मार्केट तो मैं आप सबको क्या बताऊँ, इतनी भीड़ होगी राखियों के लिए। और राखियाँ भी इतनी अच्छी अच्छी अलग अलग डिज़ाइन की अलग अलग राखियाँ लगी होंगी, तो मैं आप सबको भी दिखाऊंगी। इतनी अच्छी अच्छी राखी होती है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। क्या चल रहा है देखो, इतना क्या चल रहा है। उसका एक बछड़ा है, उछल कूद वो करता है। गैया मेरी, ओ गैया मेरी। थक गया। उसका अजीब गाना चल रहा है। ए बिल्ली रानी, तू भी तो किसी की बहन है, तो अभी तेरे को भी है ना बिल्ला मामा को राखी बांधने के लिए जाना पड़ेगा। So, देखो मैं रेडी हो गई हूँ। अभी हम लोग है ना तुरंत निकल रहे राखियाँ लेने के लिए। चलो जल्दी से। और ये देखो, ये रही मेरी मम्मी। कितनी सुंदर लग रही है। ये रहा मम्मी का न्यू ड्रेस। बताना कैसा लग रहा है, मुझे तो कलर काफी अच्छा लगा। ये देखो मम्मी की ये चांदी के पायल पे कितने अच्छे लग रहे हैं। सो फाइनली अभी हम लोग निकल चुके हैं मार्केट जाने के लिए। और मार्केट जाने की जो खुशी होती है ना, वो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी हम ऐसे मार्केट शॉपिंग करने जा रहे होते हैं। और इस बार है ना हमारे साथ पापा नहीं है, मामा चल रहा है। क्योंकि पापा को काम होता है ना, तो हम ज़्यादा फोर्स नहीं कर पाते, इसलिए मामा चल रहा है हमारे साथ। तो देखो हम लोग है ना मार्केट आ गए। सबसे पहले हम लोग चलते हैं सोनार गली। और ये देखो हमको किसने ज्वाइन किया, रुतु जाने। हाय, आप पर सभी ड्रेसेस देखना कितने अच्छे अच्छे आए होंगे। तो हम लोग आ गए सोनार गली में। सबसे पहले हम है ना चांदी की राखी लेंगे, फिर उसके बाद में दूसरी राखियों की शॉपिंग करेंगे, ठीक है। तो इस बार हम है ना चांदी की राखी लेंगे। और मैं हर रक्षाबंधन को अपने दोनों भाइयों को है ना चांदी की राखी ही लेती हूँ। चलो देखते हैं। तो मैं है ना चीकू के लिए रिटर्न गिफ्ट भी लेने वाली हूँ। उसमें ये देखो, ये कैसा रहेगा मम्मी, इसको क्या बोलते हैं, कड़े कड़े बोलते हैं इसको। ये देखो, ये ब्लैक वाला भी एक अच्छा है, मुझे ये ब्लैक वाला अच्छा लगा। और ये देखो, ये वाला भी एक कड़ा अच्छा है, ये थोड़ा यूनिक है ना। देखो गर्ल्स, यहाँ पे बहुत सारे, आओ मैं आप सबको दिखाती हूँ। इतने सारे कड़े हैं यहाँ पे। इसमें से ये वाला अच्छा है ना, इसके हाथ को आएगा चिकू के। ये देखो, ये नथ भी कितने अच्छे हैं, नोज रिंग। एक सेकंड, मैं आप सबको एक पहन के भी दिखाती हूँ। कैसी लग रही है अब बताओ तो। महाराष्ट्र की शान होती है नोज रिंग, नथ नहीं बोलते इसको। देखो मम्मी यहाँ पे ना चांदी के रिंग्स भी देख रही है उनके लिए, दिखाओ। वाओ, कितनी अच्छी लग रही है बटरफ्लाई वाली रिंग, देखो ना। ना अपने लिए भी है ना चांदी की रिंग देख रहे हो। ये हार्ट शेप वाली कैसी है बताओ, चांदी की राखी है यार। लेकिन अभी मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सी वाली राखी। तो ये देखो गर्ल्स, आप भी बता सकते हो मुझे कौन सी राखी लेनी चाहिए। ये देखो, ये फ्लावर वाली तो नहीं लूंगी क्योंकि कृष्णा नहीं पहनेगा इसकी। देखो मुझे है ना ये वाली एक अच्छी लगी है राखी, ओम है इस पे लिखा हुआ। तो कृष्णा कैसी, इसको ओम वाली राखियाँ बहुत पसंद है। लास्ट ईयर भी मैंने ओम वाली राखी ली। ये फाइनल हो गए, अभी चिकू बेबी के लिए। देखो चिकू के लिए ना मुझे ये मोरपंख वाली राखी अच्छी लग रही है, उसके हाथ पे अच्छी लगेगी ये राखी। क्या बोल रहे हैं आप सबका बताओ। ये दो राखी फाइनल कर दूँ क्या, फिर बताओ बस जल्दी जल्दी। चलो दो राखियाँ फाइनल हो गई। देखो ये दो राखियाँ ले लिए मैंने अपने दोनों भाइयों के लिए और चीकू के लिए ये रिटर्न गिफ्ट। ये आ जाएगा चीकू को, ये देखो अच्छा है नहीं है। और एक रिटर्न गिफ्ट लेंगी, ये एक ही थोड़े ना रिटर्न गिफ्ट लेंगे। और कृष्णा के लिए भी तो रिटर्न गिफ्ट लेना है। आए अंकल, जल्दी आएंगे फिर से। अंकल को मैं हर बार यही डायलॉग बोलती हूँ कि हम फिर से जल्दी आएंगे। चलो तो मम्मी बोली कि अभी अगर हम इधर के साइड आ ही गए तो कृष्णा के लिए ना एक टिफिन बॉक्स भी ले लेते हैं अच्छा सा। मम्मी कलर है वो सब मैं डिसाइड करूँगी, पिंक कलर है ना तो
है म्यूजिक ईट स्लीप रिपीट। सही बात। वाला टिफिन ही हमने कृष्णा के लिए फाइनल किया, ये अच्छा टिफिन है। चलो इतना स्ट्रगल करके आई है मम्मी यहाँ पे। इधर बताओ क्या लेने आए हो आप। देखो इधर ये भी है सिर्फ मसाज वाला, क्या बोलते हैं पता नहीं आप। क्या पूछती है, देखो अगर कुछ पसंद आता है वो भी ले। अब मम्मी को क्या बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं है मेरे लायक। शॉपिंग अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो हे गर्ल्स, क्लिप देखो ना यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे हैं। मैं ना अपने दोनों भाइयों के लिए गिफ्ट देखने आई हूँ। मुझे है ना कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कृष्णा के लिए सोच के रखा है कि उसके लिए ना मैं रिमोट कंट्रोल की कार लेने वाली हूँ। ये देखो ये कार कैसी रहेगी, अच्छी है ना बताओ। और ये वाली भी एक अच्छी है, येलो कलर। डांसिंग कैक्टस कितना क्यूट है, हम जो बोलते हैं ना रिपीट करता है और डांस भी करता है। ये चार्जिंग पे चलता है। चिकू के लिए कैसे रहेगा गिफ्ट। हंस भी रहा है। हेलो कैक्टस। देखा सब रिपीट करता है वो। हे गर्ल्स देखो ना यहाँ पे बर्तन भी है खेलने के लिए। ये गैस है, फिर ये सारे बर्तन है। कौन कौन ऐसे बर्तन खेलता था मम्मी। ये देखो ये लू क्या मैं। ये देखो यहाँ बार्बी सेट भी है। ये देखो ये बार्बी कितनी क्यूट है। हाँ ये सारे मिरर से देखो इसके पास भी। देखो कृष्णा के लिए ना मैंने ये रिमोट कंट्रोल कार ली है और ना चिकू बेबी के लिए ये कैक्टस लिया है। अच्छा है ना, ये बहुत अच्छा बोलता है। ये लो देखो ना यार यहाँ पे राखियाँ कितनी अच्छी है। मुझे तो है ना सारी पसंद आ रही है। ये ओम वाली भी एक अच्छी है। दूसरे पे देखते हैं जो जो पसंद आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। और ये है ना 20-30-40 ऐसे ही रेट में बहुत अच्छी राखी। जितनी भी लड़कियाँ देख रही है आप बताओ इनमें से कौन सी वाली जूती अच्छी है। देखो यहाँ पे कितने सारे कलर है। देखो ये जूती कैसी लग रही है मम्मी के पैरों में। मेरे से आके बताइए क्या पूछती है। कावे दीदी, आप कावे दीदी हो ना। नाइस टू मीट यू बाय। देखो मम्मी को है ना ये वाली जूती अच्छी लगी है। चलो ठीक है फाइनल। दिखाओ मम्मी, मम्मी को देखो ये सूट पसंद आया है, थ्री पीस वाला। कितना सही लग रहा है ना, इसका कलर भी अच्छा है, उसका दुपट्टा स्पेशली ज्यादा अच्छा है। दिखाओ कि मेरे लिए भी है ना, खादा कुर्ता वगैरह कुछ अच्छा लगता है, कुर्ती तो वो ले लूंगी। येलो कलर मुझे है ना बहुत अच्छा लगता है। देखो ये कैसे है, अच्छा लग रहा है। देखो मम्मी है ना फुल लग चुकी है शॉपिंग करने में, जरा सा सुनने का नाम नहीं ले रही मम्मी। मम्मी चलो ना, स्मॉल साइज की कुर्ती कितनी अच्छी है ना, इसका कलर एकदम फ्रेश है, काली भी कितनी अच्छी है। ठीक है चलेगा, ये भी एक अच्छी लगी मुझे, और कलर देखते हैं। चलो तो हमारी है ना सारी शॉपिंग हो गई है। ये देखो थैंक यू एम जी। तो हमारी सारी देखता मैं जरा। चलो अभी हम रंगोली डालेंगे। वाह देखो कितनी अच्छी रंगोली।
दोनों को ना नहलाने की तैयारी हो रही, लेकिन अपन तो ऐसे साफ सुथरे बिना नहाए, ऐसे चार पांच दिन नहीं नहाए ना तो साफ हो जाएंगे अपन। और
और ची के लिए तो मैंने स्पेशल गिफ्ट लाया हुआ है, अभी इसको पहना देते हैं। चलो कृष्णा और चीकू दोनों को काला टीका लगा देते, नजर ना लगे इनको किसी की। दीदी को देने के लिए तेरे पास कुछ भी नहीं है बच्चा, लेकिन जब तक पापा है ना तब तक तुझे ना फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है, समझा कर तू? जब तक पापा है ना तब तक तेरे पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। पापा रहते ही इसलिए दीदी को देने के लिए तेरे पास गिफ्ट नहीं है, लेकिन पापा है, ठीक है? तो तू दीदी को ये गिफ्ट देगा, समझे? अभी ना इसको छुपा के रख, ठीक है? दीदी को सरप्राइज देना। अरे रुक रुक रुक, एक और गिफ्ट है जो तू दीदी को देगा, ठीक है? हाँ, ये भी देने का, और इसको भी जाके छुपा के रख, क्या? हाँ ये ले, ये रहा तेरा रिटर्न गिफ्ट।
था कृष्णा भाई, जिसने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा। इसीलिए पापा हमेशा कहते हैं, कृष्णा भले उम्र में छोटा है बट वो घर का सबसे बड़ा है। क्योंकि कोई है नहीं मुझे राखी बांधने के लिए। मैं हूँ ना। साइड मत हुआ करो पापा, रक्षाबंधन के दिन हम है ना राखी बांधने के लिए, मैं बांधा करूंगी आपको राखी। बच्चा तेरे स्टाइल में करता है अनबॉक्सिंग। कैसे? धाम धाम फाड़ दाल बच्चे। नहीं नहीं नहीं, उसको रैपर अच्छा है ना, फाड़ना क्यों है? आराम से आराम से। अरे अरे ये फेलर रोशन। वाह सावल बच्चे सावल, इतना सस्पेंस नहीं बनाना चाहिए। आज तुमने सारा पूरा दिन खुश कर दिया, इसी खुशी में ना मैं आज एकदम बहुत खुश हो गया। इस खुशी में मुंह मीठा करेंगे। मम्मी के बिना चली जाओ शॉपिंग करने। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, जल्दी से कमेंट्स में बताना आपका रक्षाबंधन कैसा गया और आपने क्या क्या किया। वीडियो को ढेर सारे लाइक कर दो और जितने भी लोग देख रहे हैं शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना क्योंकि 10 मिलियन होने वाला है, जल्दी कर देना। बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।